हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर वो एसी इंस्टॉलेशन के लिए आ गए थे ब्लू स्टार सर्विस सेंटर से लोग, और वो एसी का देख रहे हैं, मतलब कहाँ पर एसी इंस्टॉल करनी है क्या है। और वो ना पहले मेजरमेंट ले लेते हैं अपना रूम का, और फिर उसका सेंटर निकालते हैं, और उसके बाद वहाँ पर वो एसी फिट करते हैं। तो हमारा ना पॉइंट जो है वो पहले से ही लगा के रखा था हमने एसी का, क्योंकि जब हम लोग घर बनवाते हैं या कुछ, तो मतलब जब नया घर है तो हम लोग पहले ही उसका पॉइंट निकाल के रख देते हैं। मतलब उसका जो ये है प्लग है, वो आप देख सकते हो वहाँ पर लाइट के नीचे, तो वो निकाल के रख देते हैं। बट अगर पुराना घर हो तो पहले इतना नहीं था एसी वगैरह का फिटिंग, वो ये वो, तो हम लोगों ने पहले ही एसी की फिटिंग कर ली थी जब इलेक्ट्रिशियन से हमारे, जब हमारा घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो बट एसी लिया नहीं था, तो अभी लिया है तो वहाँ पर ही एसी की फिटिंग होगी। फिर भी उन्होंने मेजरमेंट ले लिया था, सेंटर निकाल लिया था, और वहाँ पर फिर वो फिटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से दो लोग आए थे, और मेरा काम मतलब हुआ ही नहीं था घर पे, और वो लोग आ भी गए थे। मतलब मैं ना माही के स्कूल जाने वाली थी, तो माही के स्कूल में थोड़ा सा वो एग्जीबिशन वगैरह था, तो इसी वजह से वहाँ पर जाने वाली थी, बट ये लोग आ गए थे तो मैंने सोचा चलो जाने दो, अभी ये लोग आ ही गए हैं, तो माही के स्कूल जाना मेरा कैंसिल हो गया था। तो अद्विक बीच बीच में कर रहा है उनके, मतलब अद्विक भी देख रहा है, तो अच्छा हो गया था, अद्विक भी था तो थोड़ा सा उनका भी टाइम पास हो गया था अद्विक की वजह से। अद्विक बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था उनसे, तो इसी वजह से उनका भी टाइम पास हो गया था। तो यहाँ पर अद्विक खेल रहा है, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। और हाँ, मेरे काम ही चल रहे थे, तो उन्होंने फिर बेड वगैरह खिसकाया, उसके बाद पुरानी सी बेडशीट उन्होंने डाली, क्योंकि क्योंकि ड्रिलिंग वगैरह के टाइम मिट्टी वगैरह गिरती उस पर, धूल वगैरह, तो इसी वजह से उन्होंने वो पुरानी बेडशीट डाली, उसके बाद बेड खिसकाया, और फिर उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। और इतना गंदा हो गया था उनके काम होने के बाद रूम कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब दिवाली जैसी क्लीनिंग करनी पड़ी थी मुझे। इतना क्लीन करना पड़ा घर कि पूरा दिन उसमें ही चला गया। फिर ये ड्यूटी से आ गए थे, हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था इसके चक्कर में, और सारा उसी के चक्कर में इतना लेट हो गया था, मतलब 4-5 घंटे लगे उन्हें उसके लिए। और फिर इन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें हम लोगों ने फिर बेड वगैरह खसकाया, मतलब वहाँ पर जगह पे रखा, फिर हम लोगों ने क्लीन किया पूरा घर। मुझे तो पूरा झाड़ू पोछा लगाने में इतना टाइम निकल गया मेरा। यहाँ पर एसी आप देख सकते हो फिट हो गई है। फिर ये सोच रहे थे कि ये जो बड़ा ब्लैंकेट है वो भी रख देते हैं, अभी ठंडी तो है नहीं, अभी ब्लैंकेट की ज़रूरत तो होगी नहीं, तो इसी वजह से ये वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करके वो जो ब्लैंकेट है वो रख दे रहे हैं, क्योंकि ये ना सर्दी के टाइम ही काम, इतना मतलब वो है मोटा ब्लैंकेट है कि ये ज़्यादा सर्दी होगी तभी काम आएगा, वरना ये काम नहीं आता, क्योंकि हल्की फुल्की सर्दी में तो ये ओढ़ भी नहीं सकते हैं, वैसे ही गर्मी होती है इससे, तो इसी वजह से ये ना अभी रखने वाले थे, ये पूरा पैक करके उसकी बॉक्स में डाल के, तो इसी वजह से ये पूरा वो डस्ट क्लीन करके रखने वाले थे, क्योंकि ये घर पे तो धुला जाएगा नहीं, धोबी के पास धुलने के देना पड़ेगा, और वो भी उसमें डस्ट इतना ज़्यादा रहता है कि ये धोबी के पास भी देने से इतना अच्छे से क्लीन नहीं होता है, तो इसी वजह से वैक्यूम क्लीनर से बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन होता है, और उसमें जो बारीक बारीक से धूल मिट्टी होती है वो पूरी निकल जाती है। तो वैक्यूम क्लीनर का बहुत ज़्यादा यूज़ है यार घर में, मतलब जब से ये लिया है तब से बहुत ज़्यादा मतलब काम में आ रहा है हमारे, इसी वजह से मैं आपको बहुत बार सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बार इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। जिसको धूल से एलर्जी है या धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो उनके लिए तो सही आइटम है ये, दिन में आपका ये एक बार तो काम आता ही है, और बहुत सारे काम करता है, दिवाली के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा काम आता है। और एक्चुअली आपने अगर रिव्यू नहीं देखा है वैक्यूम क्लीनर का तो रिव्यू भी देख लेना, मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ और रिव्यू, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए रिव्यू अगर देखोगे तो। और हाँ, यहाँ पर सारी क्लीनिंग कर रही थी मैं, क्योंकि आज तो पूरा बेडरूम ही क्लीन किया यार, इतना गंदा हो रखा था, मैं आपको क्या बताऊँ, कितनी बार मुझे 3-4 बार तो मुझे झाड़ू मारना पड़ा होगा, और पोछा एक बार मारने से तो पोछा हो ही नहीं रहा था, पूरा जो बारीक धूल मिट्टी होती है ना जो ड्रिलिंग करने के बाद निकलती है वो पूरा रूम में फैल गई थी, तो इसी वजह से ना पूरा क्लीन करना पड़ा। जो दीवार वगैरह थी ना तो उस पर भी हो गई थी, तो दीवार भी हमने फिर गीले कपड़े से क्लीन की, और उसके बाद फिर अच्छे से सारा कुछ क्लीन हुआ, तो अच्छा लग रहा है अब, मतलब बेडरूम आज ऐसा लग रहा है कि दिवाली के टाइम जैसे क्लीन करते हैं ना वैसे ही लग रहा है, मतलब दिवाली की क्लीनिंग ही हो गई है। माही तो बोल भी रही थी कि हमारे घर पे मम्मा दिवाली ही आ गई है अब, तो
मैंने भी बोला कि हाँ यार इतनी साफ सफाई करनी पड़ रही है, पूरा दिन भर मैं थक गई थी एक्चुअली उनको देते देते। पहले तो ये ड्यूटी से नहीं आए थे तो उनको जो जो चीज़ें चाहिए थी वो देते देते थक गई थी। वो ये वो ये वो पूछ रहे थे सारी चीज़ें, मतलब जो उनको पता नहीं था। तो पहले उनको बताते बताते मेरे काम बिल्कुल हुए नहीं। और मैं व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी तो व्लॉग भी ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ा मुझे, व्लॉग भी स्टार्ट नहीं करना हुआ और कुछ भी नहीं। फिर मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया था, ये गंदा ही था, तो इसी वजह से मुझे लगा कि क्लीनिंग के टाइम पे यही सही रहेगा, तो इसी वजह से मैंने ये पहन लिया था। और फिर ना पूरा सारे चीज़ें क्लीन की मैंने, और पूरा घर मैंने पहले सुबह, मैंने जब मैं सुबह का क्लीनिंग करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये लोग कब आने वाले हैं, और मुझे लगा कि थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटे में इनका हो जाएगा, इतना गंदा करके नहीं रखेंगे। बट उन्होंने इतना गंदा करके रखा कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब। और वहाँ के पैर ना बाहर लेके बाहर जा रहे थे, बाहर से अंदर आ रहे थे, तो ऐसे पूरे घर में उन्होंने गंदे गंदे पैर करके रखे थे। तो उनको बोल भी नहीं सकते थे कि बाहर का जो आउटडोर एसी वो होता है एसी का, तो आउटडोर भी फिट करना था उन्हें, तो इसी वजह से वो बाहर जा रहे थे बार बार, बाहर से अंदर आ रहे थे। तो वो होता ही है, ये बोल रहे थे कि जाने दो, अभी क्या कर सकते हैं, एक बार क्लीन कर लेंगे। तो मैंने मतलब पूरी जो मेहनत थी मेरी सुबह की क्लीनिंग की तो पूरी वेस्ट हो गई थी। और मैंने इतना मतलब 1-2 घंटा तो आप लोगों को पता ही है कि मुझे क्लीनिंग के लिए लगता है, 1 घंटा तो क्लीनिंग के लिए लगता ही है मुझे, 1-1.5 घंटा तो लगता ही है। तो वो पूरी क्लीनिंग की मैंने घर सुबह, और उसके बाद ये आ गए थे। तो मैं इनको बार बार बोल रही थी कि यार मैंने फालतू में क्लीनिंग की सुबह, और अभी दोबारा से आया, दोनों को क्लीनिंग करनी पड़ रही है। तो मतलब इन्होंने भी मुझे हेल्प की, क्योंकि ऊपर की जो दीवारें हैं या मतलब वॉल पे जो बारीक बारीक कचरा पड़ा था ना, वो तो मुझसे क्लीन नहीं होता, इसी वजह से उन्होंने क्लीन करके दिया। फिर नीचे नीचे का मैंने क्लीन किया, सारी चीज़ें की। उसके बाद भी मैंने सोचा चलो अभी जिम जाते हैं, क्योंकि जिम में बहुत गैप पड़ रही थी। तो मैंने उसके बाद नहाया, सारी चीज़ें क्लीन होने के बाद, यहाँ पर काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, मतलब शाम हो गई थी। उसके बाद मैंने नहाया, जिम के लिए रेडी हुई, फिर ये वाली बेडशीट डाली, मतलब बेडशीट भी मैंने निकाल के रख दी थी, सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी यहाँ पे। और फिर मैंने बेडशीट डाली, और हाँ आपको ये बेडशीट कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। ये मैंने मीशो से परचेस की है, आपको अगर परचेस करना हो तो प्रोडक्ट कोड मैं साइड में पिक लगा दूंगी इसका कि कितने में पड़ी है और क्या है। और मीशो अगर डाउनलोड नहीं किया है आपने तो मीशो भी डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये मीशो से ली से, और बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है यार, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, प्योर कॉटन की है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी आएगी, मैंने सोचा चलो ठीक ठाक आएगी, बट इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिली है। और इसके पिलो कवर्स और कलर ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब समरी कलर है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कलर, और बहुत सुंदर लग रहा है, एक लुक ही बदल गया है पूरा रूम का। और इस तरह से मैंने ये बेडशीट जो है वो सेट कर दी थी। आप लोग ज़रूर बताना कि कैसे लग रही है आपको, और लुक चेंज हुआ है या नहीं हुआ है एक बेडशीट की वजह से, ये भी ज़रूर बताना मुझे। खूब छान, खूब अरे नहीं ना पिल्लू, नहीं ना बेडशीट छान के लिए ना, मैं खूब छान के सुन रही ना। मैं जा रही हूँ अब जिम, क्योंकि जब से तबीयत खराब हो गई थी तब से तो जिम, मतलब एक तो मैंने जिम ज्वाइन कर ली थी कितने दिनों के बाद, और तबीयत खराब हो गई थी उसके बाद तो मैं गई नहीं, 2-4 दिन गई और बस 2-4 दिन के बाद तो जाना बंद ही कर दिया। फिर तो तबीयत खराब ही हो गई थी, तो मैं सोचा चलो एनर्जी तो है नहीं बची, बट फिर भी जितना होता है उतना कर लूँगी। हाँ एसी कैसी लग रही है बताना, तो फिट हो चुकी है एसी। और चलिए फिर निकलते हुए यहाँ पर बॉटल ले लिए, अरे बैग, सॉरी बैग रह गई है। चलो हाँ, नहीं, ये वाले लेके जा रही हूँ मैं, हाँ जिम बैग लेके जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने जाना बंद कर दिया था तो मेरी जिम की बैग भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, थोड़ी सी खराब भी हो गई है, बट लेनी है मुझे दूसरी, बट अभी दिख गई है, हम लोगों ने वो निकाला था तो यहाँ पर है बैग। तो चलिए फिर, कहाँ है मेरी बिल्ली, 1 मिनट।
और यहाँ पर घर आने के बाद हो रही है डिनर की तैयारी, क्योंकि वर्कआउट करके घर आई थी, फिर थक गई थी, फिर भी अब डिनर तो बनाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे आज, और थोड़ा सा अच्छा डिनर बनाना था। तो मैंने वैसे भी आपको बताया है कि अभी मैं प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खाने के लिए वो खाने लग खाना है मुझे, तो इसमें से मैं ग्रेवी वगैरह तो खाऊंगी नहीं, बस इसमें जो जो पीसेस वगैरह है तो वो खाऊंगी। यहाँ पर बन रहा है चिकन, काफ़ी लोग चिकन की रेसिपी के लिए बोल रहे थे, मतलब मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किया है चिकन, मेरा मतलब चिकन की रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की है आप लोगों के साथ, बट फिर भी चिकन की रेसिपी के लिए रिक्वेस्ट इतनी आ रही है कि मैंने सोचा चलो आज भी आपके साथ चिकन की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, बट शॉर्ट में एकदम से। वहाँ पर मैंने तेल में ना वो डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और वो वहाँ पर हो रहा है कम आँच पे, तो इधर मैंने चिकन डाल दिया है एक कढ़ाई में, और उसमें पानी ऐड नहीं करना है, तेल ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है, नमक ऐड करना है, और बस वो अपना पानी छोड़ने लगेगा चिकन। और यहाँ पर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और इधर लहसुन अदरक का पेस्ट होने देंगे, मतलब अच्छे से उसकी जो स्मेल है कच्ची वो चली जाएगी, और अच्छे से ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भुन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्याज और क्या बोलते हैं नारियल, सूखा नारियल, उसको भून लिया था अच्छे से तेल डाल के तवे पे, और प्याज को और सूखे नारियल को, और उसका पेस्ट बना के रखा था, तो वो पेस्ट मैं उसमें ऐड कर रही हूँ, और वो भी पेस्ट अच्छे से चला लूँगी, ताकि एक तो वो भुना हुआ ही था बट वो अच्छे से चलाना ज़रूरी है, मतलब एकदम मिक्स करना और अच्छे से उसका जो पानी है वो कम करना और अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है उसे, तो उसे भी अच्छे से चला लूँगी, और वो भून जाने के बाद वो तेल छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाली कढ़ाई में मसाला तेल छोड़ रहा है, और उधर भी चिकन देखना पड़ रहा था बार बार, मतलब वो उस चिकन को भी मैं अल्टा पलटी कर रही थी, तो उसको भी जलने नहीं देना है, तो इसी वजह से यहाँ पर फिर मसाले डाल दूँगी, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, और क्या बोलते हैं तो चिकन मसाला, ये सारी चीज़ें डाल दूंगी, और उसके बाद टोमेटो का पेस्ट ऐड करूंगी उसमें, तो टोमेटो का पेस्ट लास्ट में ऐड करना है, ये सारी चीज़ें डाल देनी है, और अच्छे से इसे भी भून लेना है आपको। और वहाँ पर चिकन तो हो ही रहा है, तो ऐसे ही चिकन उधर बॉईल कर लेना है, तो ढक के रख देना है चिकन को, बॉईल कर लेना है, और बीच बीच में उसे चला लेना है ताकि वो जल ना जाए अंदर से, मतलब नीचे से, वैसे चिकन जलता नहीं है क्योंकि उसमें इतना सारा मॉइस्चर रहता है कि वो चिकन नहीं जलेगा, बट फिर भी ज़्यादा आप तेज़ आँच करोगे तो चिकन तो जलने वाला ही है, बट वैसे अगर आप कम आँच पर रखोगे तो चिकन कभी नहीं जलता है। और हाँ, उसमें पानी भी ऐड नहीं करना है आपको चिकन में, और वैसे ही उसको बॉईल होने देना है क्योंकि वो अपना ही पानी छोड़ने लगता है, तो इसी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें मसाला ऐड कर दी थी, और उसके बाद मैंने उसमें वो ऐड किया था अपने, और मिर्च पाउडर ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना, क्योंकि हम लोगों को चिकन वगैरह में थोड़ा सा तेज़ चिकन खाना पसंद है, तो इसी वजह से हम लोगों ने मैं ज़्यादा मिर्च पाउडर ऐड करती हूँ चिकन में सिर्फ, वैसे सादी सब्जी हो तो मैं मिर्च पाउडर भी कम ऐड करती हूँ और नमक भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद नहीं है स्पाइसेस, तो बट चिकन ना थोड़ा सा स्पाइसी बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से ये ना और मेरे हाथों से बना हुआ चिकन इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। और हाँ, मैंने जो टोमेटो प्यूरी ऐड की, मतलब टोमेटो प्यूरी का जो ये था शूट ही नहीं किया सॉरी, तो इसी वजह से वो आप टोमेटो प्यूरी ऐड करना और अच्छे से होने देना है आपको, टोमेटो प्यूरी का मैंने शूट नहीं किया था, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है, तो टोमेटो प्यूरी आप ऐड करना, अच्छे से वो भून लेना, उसके बाद आपने वो जो मसाले है वो ऐड करना है आपको, मतलब क्या बोलते हैं सारी चीज़ें मसाले जो है ऐड करने हैं आपको बाद में। और उसके बाद मैं वहाँ पर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ जो मिक्सी के पॉट में बचा था, और वो पानी उसमें ऐड करने के बाद उसे गर्म कर लूँगी, और उसके बाद फिर वो पानी हमें ऐड करना है इसमें चिकन में। तो आप ज़्यादा ग्रेवी, मतलब ग्रेवी आपके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए तो उतनी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी बारीक बारीक चॉप करके रख दिया है ताकि हमें गार्निशिंग के लिए धनिया चाहिए होगा बाद में। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है आपको, और वो जो पानी है गर्म किया हुआ वो उसमें ऐड कर देना है थोड़ा थोड़ा, तो और चला लेना है। और आपको ग्रेवी मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई थी आज, बट आपको जब मैंने ज़्यादा लोग रहते हैं तो मैं थोड़ा सा ग्रेवी और ज़्यादा बना लेती हूँ, हम दोनों ही रहते हैं तो मैं इतने ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही रहने देती हूँ, और बट आज का जो चिकन है बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, इस टाइप का चिकन अगर मैं बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है इन्हें, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही चिकन बनाती हूँ हमेशा।
कल रात को खाना खा लिया था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और थक भी बहुत गई थी, तो इसी वजह से ना बात भी नहीं कर पाई आप लोगों से और ब्लॉग को एंड भी नहीं कर पाई। चिकन बनाया था, खाना खाया और उसके बाद फिर क्लीनिंग वगैरह में ही टाइम निकल गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। सडनली याद आया कि यार मैंने ब्लॉग को एंड ही नहीं किया था, तो इसी वजह से अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। और मैंने टी शर्ट भी चेंज नहीं किया था, ऐसे ही रहने दिया था, तो अभी यही टी शर्ट पहना हुआ है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। ओह अभी भी नींद आ रही है। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।